so hello everyone and welcome to the interview question and answer series where we are going to be discussing a lot of practical questions which are going to be asked in statutory audit domain during your interviews now one of the favorite and very interesting question which is going to be asked in most of the interview is how do you audit p&l items or balance sheet item

you need to keep one important thing in your mind and that is map the things related to assertions और उस हिसाब से आपको आंसर करना है ठीक है तो चलो मैं assertion mapping कर देता हूं सबसे पहले लेट सी एंड आई गिव यू द आंसर इन अ वेरी डिटेल्ड एंड प्रैक्टिकल मैनर इसके साथ आई ऑल्सो ट्राई टू शो यू अस कन्फर्मेशन विच यू आर गोन भी डूइंग लीगल एक्सपेंसेस सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस ऑफ करेंस कट ऑफ एक्सी क्लासिफिकेशन ठीक है इस पार्ट में मेरे को इस तरीके से लीगल एक्सपेंसेस को असेशन uh, मैपिंग कर दिया अब सबसे पहले कंप्लीटनेस क्या होता है ऑल द लीगल एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है

बताता हूँ कंप्लीटनेस के लिए आप क्या करोगे ठीक है कंप्लीटनेस के लिए आप क्या करोगे आपको चाहिए तो आप पैरेलली भी सकते हैं तो सबसे पहले मैं अगर आपने यही आंसर सोचा होगा तो मुझे बताइएगा कि आपने कितने थे तो पहला सोचूंगा प्रीवियस मैपिंग विद ईयर मैपिंग कितना उसमें डेल्टा है एक छोटा सा मेरा कंप्लीटनेस के लिए एक्सरसाइज हो गया इसके साथ साथ मैं ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकता हूँ राइट ट्रेंड एनालिसिस अगेन इट्स बी पार्ट ऑफ दिस कि भाई मैंने देख रहा हूं कि पिछले साल सौ का था इस साल डेढ़ सौ का हुआ है तो अब क्यों ये पचास रुपए से बड़ा है आई एम बी फाइंडिंग आउट द रीजन आउट अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कंपनीज हमेशा ये लीगल एक्सपेंसेस को छुपाने की बात करती है क्यों क्योंकि अगर ऑडिटर को पता पड़ गया कि भाई ये लीगल एक्सपेंस है तो अगेन इसका प्रोविजन बना लेगा राइट प्रोविजन बनाएगा या तो कंटीजेंट लाइबिलिटी में जाएगा तो हम कोशिश करते हैं कि ऑडिटर को लीगल एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा कम ही पता पड़े कंपनीज भी स्मार्ट होती है अब इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि कोई लीगल एक्सपेंसेस इनकर हुआ है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी माइट बुक अंडर द डिफरेंट लेजर ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था इमेजिन दैट अ कंपनी हैव नॉट बुकड द लीगल एक्सपेंसेज अंडर द लीगल एक्सपेंस हेड एंड दे हैव पुट इट अंडर ध्यान से सुनो के स्टडी

600 auditor, you you case study. Case study फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपका ट्रांजेक्शन लेवल 1000 हजार का था कंपनी ने लीगल एक्सपेंसिस जानबुज के गलत हेड में बुक कर लिया मिसिलेस हेड में ठीक है अब आप ऑडिटर हो आपको ढूंढना है कि भाई ऐसा कुछ जैसे गलत एक्सपेंसेस तो दूसरे हेड में जाके नहीं बैठे हुए राइट right? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ये, again, है ये अगेन हमारा असर्शन है क्लासिफिकेशन के क्या सही से क्लासिफाई हुआ है कि नहीं अभी क्या क्लासिफिकेशन असर्शन को आप कैसे पकड़ोगे इसके लिए यू नीड टू डू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज कॉल्ड एज अ जेई टेस्टिंग राइट

लीगल एक्सपेंसिस एंड आई सर्च इट इन दूर जेई एंड आफ्टर दैट दन आई आइडेंटिफाई के ये जाके बैठा हुआ आई ट्राई टू मैप इट आउट आई डोट नो हम इफ एवेर ऑफ दिसगल एक्सपेंसिस को चंगा और पंगा नहीं होता राइट दस नो बेंच वा कि हवा इतना मटेरिलिटी होना चाहिए राइट right? हमें लगेगा हम सैंपल ले लेंगे सवाल आता है कि क्या क्या की वर्ड आप लोग सर्च कर सकते हो सी फॉर एक्साम्पल यू माइट सर्च अ की वर्ड लाइक लीगल राइट लिटिगेशन राइट कोर्ट राइट आप लोग कोर्ट वर्ड सर्च कर सकते हो आप लोग सर्च कर सकते हो से फॉर एग्जाम्पल लॉयर ठीक है आप लोग सर्च कर सकते हो केसेस राइट right? आप लोग सर्च कर सकते हो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स राइट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट इस टाइप के मैं कीवर्ड सर्च करूंगा जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि भैया कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन का इशू है या नहीं अब सवाल ये आता है कि सर ये कंप्लीटनेस

अब वेंडर मास्टर मांगोगे वेंडर मास्टर क्या होता है लिस्ट ऑफ वेंडर्स आर वर्किंग विद अ अ कंपनी कंपनी इज कॉल्ड एज वेंडर वेंडर मास्टर मास्टर तो हमने पूरा वेंडर मास्टर मांग लिया एक का और उसमें देखा कि भैया ये सब वेंडर्स है और उसके अगेंस्ट हमने कंपनीज को बोला कि क्या नेचर ऑफ सर्विसेज ये वेंडर प्रोवाइड कर रहा है उसके आगे लिख के दो जैसे कि मान लो सीएमओ का वेंडर था या सीएमओ का कोई भी एक कंपनी ले लो जोमेटो था वेंडर था भाई जोमेटो किसी कंपनी के बुक्स में क्यों होगा क्योंकि भाई ये लोग कुछ बी टू बी सप्लाई करते होंगे राइट right? क्यों हो सकता है कि मान लो ये एट टेक प्लेटफॉर्म है या ट्रेनिंग देता होगा तो एक आइडिया मिल रहा है हमको उसी प्रकार से एक वेंडर मास्टर लेके हम लोग वेंडर मैपिंग करेंगे और बोलेंगे देखेंगे भाई क्या क्या वेंडर कौन कौन से काम कर रहा है राइट right? अब आपको न्यू वेंडर्स के लिए ना एग्जिस्टिंग का तो आपके ऑलरेडी पड़ा है ठीक है तो ये एक वेंडर मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अब जनरली अब क्या होगा कि से फॉर एग्जाम्पल आप सर आप बोलोगे कि ये वेंडर मास्टर उन्होंने पूरा दिया है कि नहीं ये कैसे पता पड़ेगा से फॉर एक्साम्पल पिछले साल सौ वेंडर थे इस साल एक सौ बीस थे बट कंपनी ने हमें एक सौ दस वेंडर का दस ही नए वेंडर है अब ये कैसे पता पड़ेगा ये पता पड़ेगा कि भैया जो सिस्टम्स ऑडिट होता है विच इज नथिंग ऑडिट आउट आई टी ऑडिट राइट आई टी ऑडिट जब होगा तब हम टीम आई टी टीम को बोलेंगे कि भैया प्लीज चेक इट आउट वेदर द डेटा इज कम्प्लीट और नॉट ये डिपेंडेंट हम लोग इसको कंट्रोल मैप करते हैं थोड़ा सा तो अगेन आप जब पढ़ोगे कि कंट्रोल मैपिंग राइट मैनुअल कंट्रोल आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल आई टी कंट्रोल राइट दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आईपी टेस्टिंग भी करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट तो यू शु, यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आईपी टेस्टिंग क्या होता है थोड़ा सा हम लोग आईपी टेस्टिंग मतलब क्या कि हम लोग कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं कि भाई जो डेटा दिया है वो क्या कंप्लीट है या नहीं ठीक है तो सबसे पहला कंप्लीटनेस हो गया है ना कंप्लीटनेस मुझे समझ में आया नेक्स्ट इसके साथ साथ हम लोग इनवाइसिस भी मंगाएंगे राइट जैसे हम इनवाइस और ये सब मंगाएंगे ये किसका पार्ट हो गया accuracy का कि भाई जो अमाउंट लिखी गई है क्या वो एक्यूरेटली बुक हुई है कि नहीं इसके साथ साथ हम लोग उसके एग्रीमेंट से डॉक्यूमेंट्स मंगा लेंगे ठीक है तो यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी कंप्लीट हो जाता है ऑकरेंस राइट तो ऑकरेंस मैप करने के लिए मैं एग्रीमेंट्स देख लूंगा कि भैया एग्रीमेंट जो है वो सही से है या नहीं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भैया इसके साथ साथ आप क्या भेजोगे आई होप यूरिंगेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज दिस इज गो नॉट बी गिविंग यू द कंफर्ट काफी बार हम लोग किसी जो कंपनीज के वेंडर रहेंगे या पार्टीज रहेगी या लॉयर रहेगा उसको हम लोग भेजेंगे कि भाई बता वॉट इज अशू काफी बार लॉयर्स हमें बता दें कि भैया ये इशू है और कंपनीज उसको रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि उसके वजह से आई डोंट नो हम इन अवेयर ऑफ दिस हमने जब एम या बाकी कंपनीज़ का भी देखा था एनुअल रिपोर्ट तो हमें की ओडिट मैटर्स और ईओ मैटर्स कहाँ से मिल रहे थे ये सब लीगल नहीं तो बताया है राइट ये सब लीगल नहीं तो बताया राइट तो जैसे कि अब इसमें देखो कि कंप्लीशन ऑर्डर है ना इधर क्या बोलते हैं इन ऑर्डर डेटेड दिस ये सब पेनल्टी सॉरी ये सब पेनल्टीज वगैरह कहाँ से पता पड़ पत रही है हमें तो पेनल्टीज हमें पता पड़ रही है भैया लीगल कन्फर्मेशन से कितने की सिक्स ट्वेंटी टू करोड़ की पेनल्टी इसको आ सकती है हमारे टायर्स को ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई कह रहा है कि सर बैलेंस कंफर्मेशन दिखाओ लीगल का कैसा दिखता है तो सर देखिए इस प्रकार से आपका लीगल कंफर्मेशन दिखता है राइट इस प्रकार से हम लोग भेजते हैं जिसको भी भेजना है जो भी एडवोकेट्स है ठीक है हमारा डिटेल्स कौन है राइट और हमेशा मैंने बताया था कि भैया कंपनी से आप साइन कराओ कि कंपनी आपको साइन करके देगा बिकॉज आप अपने नाम से भेजोगे तो ये नहीं मिलने वाला और यहाँ पे आप उसको पूरा बोलेंगे वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ एनी लिटिगेशन नॉट company कंसल्टेड a द कंपनी और लिटिगेशन इन विच द कंपनी हैज एडमिटेड द लाइबिलिटी वेदर यू हैव नॉलेज ऑफ the company that हैज डक्टेड बाई एनी गवर्नमेंट एजेंसी राइट तो ये कन्फर्मेशन आप जब हमारा स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास करोगे इसमें हम लोग बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकली में आपको और सिखाऊंगा कि कैसे लीगल एक्सपेंसिस को ऑडिट करते हैं तो सीखना चाहते हो तो सोच कह रहे हो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाफट जाओ रजिस्टर कर लो राइट right? बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगा और वही मैं कह रहा हूँ अपने इंटरव्यू को अपने करियर को रिस्क पेमेंट डालो थोड़ा सा नॉलेज ले लो आप देखना खटाखट -कट कैसे इंटरव्यू क्रैक कर लोगे ठीक है चलो आ जाते हैं तो मेरे यहाँ पे हो गया लीगल कंफर्मेशन फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको साथ में देखना पड़ेगा बोर्ड मिनट्स राइट मीटिंग्स या मिनट्स है ना जो बोर्ड मिनट्स होती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा राइट वहां पे भी आपको कंफर्मेश मिल जाएगा भैया ऑकरेंस हुआ है कि नहीं तो कि नहीं, मेरा ऑकरेंस के रिगार्डिंग हमने इसको मैप कर लिया और नेक्स्ट कट ऑफ राइट कट ऑफ के लिए क्या होता है जनरली क्या होता है कि हमें डाउट है कि इस पीरियड का है या इस पीरियड का है मतलब किस फाइनेंशियल ईयर का है तो कट ऑफ के लिए आप जनरली क्या होगा ईयर एंड आइटम्स के सैंपल्स आप उठा के देख लो कि कट ऑफ इश्यूज है कि नहीं सब्सिक्वेंट भी देख लो कि भैया ये कोई या या हुआ है, तो किस के है? और जब कंफर्मेशन आएगा वेरी तो तो इंपॉर्टेंट so और क्लासिफिकेशन मतलब वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया जेल टेस्टिंग के थ्रू कि कोई दूसरे अकाउंट में तो गया है या नहीं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेस ऑडिट का राइट right? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है राइट right? तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और अगर इसको अलावा आपको कोई और एक्सपेंसिस और बैलेंस शीट आइटम या पीएनएल आइटम के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो लिख दो कमेंट सेक्शन में वैसे तो हमने हर चीज डिटेल में कवर किया हमारा स्टार्ट ऑर्डर मास्टर क्लास में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बढ़िया से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए तो कर लीजिए क्योंकि हम आपको आपके इंटरव्यू जर्नी तक हम आपको हेल्प करेंगे टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस अपने दोस्तों को रेफर कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ